थैंक यू सो मच. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग क्योंकि इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस. मालूम था कि शो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मज़ा भी आ रहा था इतने सालों से इसमें काम करते हुए. लेकिन जब सफ़र बहुत खूबसूरत होना तो पता नहीं चलता कि वक्त कैसे निकल जाता है. तो सच में पता नहीं चला कि इतना वक्त निकल गया, 4.5 साल, और एक्चुअली शूटिंग करते हुए 5 साल निकल गए अब हमें. और हमारा शो 1500 एपिसोड बड़ा हो गया है. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. ये शो ना सबके लिए बहुत ही खूबसूरत रहा है, लकी रहा है, सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाया है. आप देखिए तो बहुतों की शादी हुई है हमारे शो में. अनीता, करण, मैं, संग्राम जो कि अशोक प्ले करते हैं, मीका जो कि मेरी पहले सिस्टर बनते थे, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी सेटल हो गई इस शो में. सो इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. आई थिंक पार्टनर इन क्राइम विल बी अप्पा. अप्पा अप्पा सारे जोक्स जो क्रैक करते हैं ना पीजेज, वो मुझे सबसे पहले समझ में आते हैं. और उनके पीजेज तो भाई माशाल्लाह होते हैं. और अगर हमारी बॉन्डिंग की बात की जाए तो एक ऐसा टाइम था जब उन्होंने डाइटिंग शुरू की थी, मैंने भी उनके साथ शुरू कर दी, उन्होंने चाय छोड़ी. यकीन मानिए मैंने तब से जो चाय छोड़ी है उनके साथ आज तक नहीं पी. दैट्स आवर बॉन्डिंग. इसके अलावा आपकी और मतलब इशिता और रमन की जोड़ी को काजोल और शाहरुख की जोड़ी से कंपेयर किया जाए, कैसे लेते हैं इस कॉम्प्लीमेंट? इट्स ब्यूटीफुल. रमन और इशिता की जोड़ी सच में अनोखी जोड़ी है. आई डोंट थिंक कि वो कोई और कभी भी क्रिएट कर सकता है, ना ही हम दोनों दोबारा रमन और इशिता क्रिएट कर सकते. दे आर ब्यूटीफुल टुगेदर. उनकी केमिस्ट्री, उनके बीच में जो स्पार्क है वो अलग ही है. एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग है. मुझे खुद को पर्सनली इशिता रमन के सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं. अभी तो आपने बस ये एक नमूना देखा है मेरे भांगड़े का. अभी मैं अंदर जाके बहुत भांगड़ा करने वाली हूँ, बहुत सीखा है भल्ला परिवार से मैंने. स्पेशल मेमोरी वो बहुत सारी हैं. 4.5 साल में न जाने कितने खूबसूरत पल हैं जो हम लोगों ने साथ में शेयर किए हैं. आई थिंक जो मेरी केमिस्ट्री रही है इशिता रमन की, इशिता पीहू की, इशिता अम्मा, इशिता अप्पा, इशिता रूही, इट हैज़ बिन ब्यूटिफुल. ऑल ऑफ दीज आई मीन जो हमारे पर्सनल इंटरेक्शंस वाले सीन्स होते हैं वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल सीन्स होते हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर अली. खतरों के खिलाड़ी खेलने गया है वो. एंड आई एम रियली विशिंग एंड होपिंग एंड प्रेइंग कि अली जीत कर लौटे. हम लोग जश्न मनाएंगे, हम बिरयानी बांटेंगे उसके लिए. अच्छा, आज के दिन किस तरह का जश्न होने वाला है यहाँ पर? क्या कुछ तैयारियाँ की है आपने? और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. मैंने तो सिर्फ तैयार होने की तैयारी की है. बाकी आज तो हमें सेलिब्रेशन मिल रहा है. स्टार प्लस ने इतनी प्यारी सी पार्टी दी है यहाँ. सो आई एम रियली लुकिंग. सो इट्स अ लेड केप ड्रेस जो कि मैंने पहनी है. मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी ये ड्रेस. टाइम लगा है आज थोड़ा. हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे फैंस के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे इस शो को इतना स्पेशल बनाया, इतना बड़ा बनाया, इससे इतना ज़्यादा प्यार किया. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर लविंग इशिमा. आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन. मतलब जब ये शो हमने शुरू किया था तो एक बहुत ही लेट टाइम स्लॉट था, बट उस टाइम स्लॉट पे भी शो ने कमाल किया था. मैं बस ये कहना चाहूँगी ये है मोहब्बतें के 1500 एपिसोड. थैंक यू सो मच हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए. आई थिंक सब ने बहुत मेहनत की है. एवरीबडी इज़ वर्क रियली हार्ड एंड आई फील सुपर प्राउड. I'd like to say thank you Star Plus, thank you Balaji, thank you Ekta, and I'm really happy and proud that I'm a part of Ye Hai Mohabbatein. I think har show ke liye the most important thing is teamwork, and Ye Hai Mohabbatein is one show jahan par the team is really thick. It's like you know, a family. Har koi
दूसरे को सपोर्ट करता है एंड एवरीबडी इज देयर फॉर ईच अदर एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दिस शो सो सो स्पेशल. आई थिंक सो मैनी ऑफ गुड मेमोरीज, आई हैव मेड सच ग्रेट फ्रेंड्स. यू नो करण को तो मैं पहले से ही जानती थी, बट आई थिंक आई हैव मेड ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, नीना जी, श्रुति, अवंतिका. आई थिंक लाइक जब आप शूटिंग कर रहे होते इतने टफ मोमेंट्स होते हैं, बट एज फ्रेंड्स दे ऑलवेज देयर फॉर यू. सो आई जस्ट वॉन्ट थैंक ईच वन ऑफ माई को स्टार्स, दिव्यांका, करण एंड एवरीबडी. नीना जी, आई लव यू एंड दैट थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग सच अ रॉक. आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि नागिन 3 को अप्रिशिएट किया गया है. बहुत सब मेहनत कर रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि ऐसे ही लोग अप्रिशिएट करते रहें. एज एन एक्टर आई विल ऑलवेज गिव माई 100% एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी, फॉर लविंग माई शोज एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर ऑल द मोहब्बतें, फॉर ये है मोहब्बतें. ऑफकोर्स वेल इन फैक्ट मेरी शादी भी जब शो कन्फर्म हो गया था उसके बाद ही मेरी शादी हुई. सो शो की शूटिंग आई थिंक मेरे हनीमून के बाद शुरू हुई है. सो इट्स अ वेरी यू नो इट्स एक्चुअली अ फैमिली शो जहाँ पर बहुत सी फैमिलीज जुड़ी हैं, मिली हैं एंड बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी मोहब्बतें यू नो उभर के निकली हैं. सो या इट्स वेरी वेरी स्पेशल.